आप सभी को नमस्कार, शुभ प्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। कल तो थोड़ी सी तबीयत हमें गड़बड़ लग रही थी, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब आराम है। कहते नहीं कि दूध में हल्दी मिलाकर के पीना एक रामबाण इलाज होता है ना। और स्वस्थ हैं पूरी तरीके से और आप सभी लोगों की सेवाओं में फिर से उपस्थित हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया की दुनिया में एकमात्र ऐसा चैनल जो कि छात्र हित के लिए, छात्रों की भलाई के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, एक छोटी सी छोटी समस्या अगर हमारे पास दो अभ्यर्थी भी भेज देते हैं तो भी हमारे ज्ञापन में उनकी समस्याओं को तुरंत ही सम्मिलित कर लिया जाता है। और आगामी समय में जब भी हम अधिकारियों के सम्मुख जाते हैं तो आपकी समस्याएं उन तक पहुंच जाती हैं और जिस तरीके से उनसे बातचीत होनी चाहिए, तमाम उन मुद्दों पर, तमाम उन समस्याओं पर बातचीत होती है और उधर से आश्वासन जो मिलता है उस पर कार्रवाई भी होती है। ठीक है, आप सभी लोगों को इसका रिजल्ट भी दिखना शुरू हो गया होगा। एडेड जूनियर के लिए लगे हैं तो एडेड जूनियर की प्रक्रिया तीव्रता से आगे बढ़ेगी। प्रिंसिपल भर्ती की तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता क्योंकि प्रिंसिपल भर्ती खिचड़ी हो चुकी है पूरी, है ना। खबरों की शुरुआत करें उसके पहले, यदि आप सभी लोग टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट आदि में निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 9721413385 पर व्हाट्सएप के मैसेज करके अपने नोट्स आदि को बुक कर सकते हैं। और यदि आप सभी लोगों को ये नोट्स उपलब्ध हो गए, प्राप्त हो जाएंगे आपके घर बैठे ही, तो जाहिर सी बात है कि इससे ज़्यादा ब्रह्मास्त्र आपके पास कोई नहीं है। आप जिस तरीके से तैयारी करना चाहें उस तरीके से आप इससे बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे ये कहते हैं कि सर फलाने ऐसा है, धमाका वैसा है। आप किसी की बातें या किसी पर्टिकुलर चैनल की बातें हमारे व्हाट्सएप आदि पे ना किया करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है हमारे स्वयं के बनाए हुए नियम के खिलाफ हैं। ठीक है, आप हमसे हमारी बातें करिए। अगर हमसे कोई चीज़ों की मिस्टेक हुई है तो उसका निराकरण किया जाएगा, पूरी तरीके से किया जाएगा। आपकी जो समस्याएं हैं उसका निराकरण कराने के लिए हम जो है मतलब अधिकारियों तक तो भी जाने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, तो बेफिक्र होकर के आप हमारे नोट्स आदि को बुक कर सकते हैं 9721413385 पर। और इस नोट्स को आप प्राप्त करिए, एक मार्जिन रेट पे है, ज़्यादा महंगा भी नहीं रखा गया है कि आपको जो है 1800, 2000 या 2500 या 5000 देना पड़े। बहुत मार्जिन रेट रखा गया है ताकि आपको लेने में भी समस्या ना हो। और एक सिंपल से सिंपल स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट होता है तो बेरोज़गार ही होता है ना, वो सभी स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर सकें और अपनी तैयारियों के लिए अपने आप को सुनिश्चित बना सकें। कई विद्यार्थी होते हैं कि उनको इतना ट्रस्ट होता है कि वो मैटर आज बुक करने के बाद एक बार भी जो मतलब ये नहीं पूछते कि सर हमारा मैटर भेजा गया कि नहीं, क्योंकि उनको यकीन होता है कि सर जब लगे हैं तो सर भेज ही देंगे और उनको टाइम पे मिल भी जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं विद्यार्थी जो पेज गिनते हैं मैटर नहीं देखेंगे, पेज गिनेंगे, अरे 300 पेज है, 350 पेज है, मतलब पन्ने, पेज नहीं पन्ने, अप एंड डाउन ले लेंगे फ्रंट और बैक, तो वो 650-700 हो जाता है, तो मतलब पेज गिनते हैं। तो पेज नहीं बल्कि मैटर देखिए। ठीक है, और जो चीज़ें हम आपको उपलब्ध कराते हैं उन सारी चीज़ों में जो भी महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि आपका व्हाट्सएप नंबर हमारे पास सेफ हो जाता है। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें बनेंगी, सब्जेक्ट के साथ आपका नंबर सेफ होता है, वो सारी चीज़ें आपको फॉरवर्ड की जाती रहेंगी पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम तक की तैयारी की जिम्मेदारी हमारी। जब हम मॉक टेस्ट वगैरह लेंगे
तो उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को धीरे धीरे करके उपलब्ध कराते रहेंगे ताकि आप सभी लोगों की संपूर्ण तैयारी हो सके, ठीक है ना। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ही केवल एकमात्र ही ऐसा चैनल है जो आपको ये फैसिलिटी उपलब्ध करा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि हम अपने भाई बहनों की मजबूत तैयारी में उनका योगदान कर सकें। थोड़ा बहुत योगदान तो दे ही सकते हैं। और हमारे अनुभव का, चूँकि चार चार बार मैंने इंटरव्यू दिया है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में, TGT का भी और आपके प्रवक्ता का भी, ठीक है। 2011 से मैं लगातार जो है मतलब इंटरव्यू दे रहा हूँ। 11 में दिया था, 13 में दिया था, 16 में सिलेक्शन हुआ है, 10 में दिया था, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसी भी तथ्य को लेकर के आप सभी लोग परेशान बिल्कुल मत हुआ करिए। आँख बंद करके आप सभी लोग आराम से जो है नोट्स आपको 97 पर बुक कर सकते हैं। ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए एक ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगा, एक रामबाण का कार्य करेगा। चूँकि आप सभी लोग ये जानते हैं कि कंपटीशन के दौर में जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ा है और जिस तरीके से बहुकोणीय कंपटीशन हो चुका है, क्या आप ये सोचते होंगे कि जो नए विद्यार्थी आते हैं, जो अभी हाल ताज में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, BEd कंप्लीट किए हैं, वो विद्यार्थी तो ये भी नहीं जानते हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है, तो आप उनको जो है मतलब छोटा मत समझिए। वो विद्यार्थी भी प्राणपण से कोशिश करते हैं। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस आप अभी रिपीट करोगे, वो पढ़ करके आए हुए हैं, तो उनको सिर्फ एक बार रिपीट करने की आवश्यकता है और आपको 3 बार रिपीट करने की आवश्यकता है। मतलब दो मोर चांसेस आप जो है उनसे पीछे हो, है ना। और वो विद्यार्थी एक बार करेंगे तो आराम से उनका कमांड हो जाता है उस पर, उस सिलेबस पर। जब नोट्स आज से वो रिपीट कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो मतलब अच्छे खासे पोजीशन में पहुंच जाते हैं। लेकिन कहते नहीं कि अनुभव, जो चीज़ें उन्हें पढ़नी चाहिए वो चीज़ें वो नहीं पढ़ पाते हैं। मार्केट से कोई भी गाइड उठा लाएंगे और जो है वही चीज़ें पढ़ेंगे। गाइड मत पढ़िए। गाइड यदि आप पढ़ते हैं तो आपको एक मार्गदर्शन तो मिल जाएगा, एक बेस मिल जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न पत्र सेट होते हैं। लेकिन कोई भी गाइड आप सभी लोगों को सफलता नहीं दिला सकती, चाहे वो किसी भी प्रकाशन की हो, आपको सफलता गाइड नहीं दिला सकती। और बता दें, गाइड का जो क्वेश्चन मान लीजिए अगर आ भी गया बुकलेट में, मतलब आपके एग्ज़ाम में, तो उसका यदि आंसर गलत मान लिया चयन बोर्ड ने या जो चीज़ें हैं, जब आंसर की में गलत आएगी आप उसका प्रमाण लगाओगे तो प्रमाण भी नहीं माना जाता। प्रमाण केवल टेक्स्ट बुक के माने जाते हैं। तो टेक्स्ट बुक से बने हुए मैटर पढ़िए, तभी आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। और टेक्स्ट बुक से बना हुआ मैटर आप टेक्स्ट बुक खरीदेंगे तो पूरे सिलेबस को जो TGT में, प्रवक्ता में, LT में, GIC में, खंड शिक्षा अधिकारी में, या आपके UP कांस्टेबल में, या जो है मतलब आपके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में, टेट में, CTET में, सुपर टेट में, जितना सिलेबस रखा गया है, अगर उनकी पुस्तकें आप टेक्स्ट बुक खरीदने जाएंगे कि जो जो सिलेबस रखा गया हम उनकी टेक्स्ट बुक ले लें, हम टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करें, तो आप कम से कम 3,500 से 4,000 रुपये गंवा करके आएंगे, ठीक है। 3,500 से 4,000 रुपये आपका लगेगा और फिर इतनी किताबों का जखीरा आपके पास जो है मतलब वो लग जाएगा, ठीक है। और जब इतनी किताबों का जखीरा आपका लग जाएगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। और जब एग्ज़ाम 15-20 दिन रह जाएगा ना, तो आपका फ्रस्ट्रेशन दुगना हो जाएगा कि अभी हमने ये किताब नहीं दोहराई, अभी ये किताब नहीं दोहराई, मतलब जो तैयारी आपने किया वो भी सत्यानाश हो जाएगा, गुड़गोबर हो जाएगा, ठीक। तो एक स्ट्रेटजी के तहत आप सभी लोगों को तैयारियां करनी है और एक स्ट्रेटजी के तहत आप लोगों को स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना है और पढ़ाई करनी है। अगर आप स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो आपकी सफलता का दर वो 100% तक जा सकता है। और स्ट्रेटजी के तहत अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मैं आप सभी लोगों से इस बात की गुजारिश करना चाहता हूँ कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने हमेशा से ही आप सभी लोगों के हित के लिए कार्य किया है। बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब उपलब्ध कराई हैं विद्यार्थियों को। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों को जो चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं, चाहे वो 2021 TGT PGT के विद्यार्थी हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमें फीडबैक दिया था जिनका सिलेक्शन हमारे मैटर से हुआ है, जिनका सुपर टेट 2019 में हमारे मैटर से सिलेक्शन हुआ है, जिनका 2021 टेट में हमारे मैटर से सिलेक्शन हुआ है। तो
उन विद्यार्थियों ने, काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने फीडबैक दिया था। कुछ विद्यार्थी के ये कहते हैं कि सर आपका कमेंट, आप रहते हैं कमेंट जानबूझ के आप रखते हैं, ईमेल बॉक्स भर जाता है मेरा कमेंट से ही, इसलिए उसको जो है मतलब ब्लॉक कर, जो है ऑफ कर देते हैं कि चलो भाई नहीं, कम से कम तो ये समस्याओं से हम परे रहेंगे। व्हाट्सएप नंबर तो दे दिए ना, 97141385, आप जितना मैसेज करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, ये तो होगा मैटर आदि की बातें, तैयारी की बातें। खबरों की शुरुआत ये कर ले, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, एडेड जूनियर के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, अधिकारी लेवल पे भी और शासन लेवल पे भी, ठीक है। और एडेड जूनियर हाईस्कूल शिक्षक भर्ती का जो परिणाम है वो परिणाम बहुत जल्दी इसका जारी होने वाला है, NIC को प्रेषित किया गया है। तो NIC को प्रेषित किया जा, देखिए ये खबर हमने आपको पहले ही बता दी थी, बाद में अन्य चैनलों पर आई है। वजह इसकी ये होती है कि जब एफर्ट होगा, जब आप उसके लिए प्रयास करेंगे और जो अधिकारी आपको आश्वासन देंगे उन सारी तथ्यों को लेकर के जब आप किसी के सम्मुख जाएंगे तो आप सारी चीज़ों से खुद ब खुद अपडेट रहेंगे। और यही चीज़ें हमारे अंदर हैं, हम आपके लिए प्रयास करते हैं तो सारी चीज़ें हमारी अपडेट होती हैं, ठीक है। और एक बात मैं आप सभी लोगों को स्पष्ट कर दूं, इसका परिणाम आएगा तो उसके एक दिन बाद या दो दिन बाद ही आपकी जिला आवंटन सूची भी जारी कर दी जाएगी और काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट करा के आप सभी लोगों को 15 सितंबर के पहले पहले नियुक्तियां प्रदान कर दी जाएंगी, ठीक है। मतलब इस भर्ती का पूरी तरीके से पटाक्षेप 15 सितंबर के पहले पहले हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके TGT PGT के लिए। बहुत हो हल्ला हो रही है एग्ज़ाम डेट के लिए, बहुत हो हल्ला हो रही है जो है कि मतलब सेंटरों का निर्धारण हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, सेंटरों का निर्धारण तब तक नहीं हो सकता या उन सारी चीज़ों पर फैसले तब तक नहीं हो सकते हैं जबकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्तियाँ ना हों, है ना। जब तक सदस्यों की नियुक्तियाँ नहीं होंगी तब तक कोई भी फैसले नहीं लिए जा सकते। हाँ ये बात अलग है कि पदों को जोड़ने को लेकर के या रिजल्ट, आपका TGT बायोलॉजी 2011 का रिजल्ट बन के तैयार है लेकिन वो जारी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि या तो अध्यक्ष जो है या सचिव शासन से परमिशन लें, या तो ये चीज़ें हैं कि अगर मान लीजिए उसका परिणाम जारी भी हो जाता है तो आगे की प्रक्रिया कौन करेगा, कौन है चयन बोर्ड में जो कि उसकी आगे की प्रक्रिया अपनाएगा, इसीलिए वो परिणाम रुका हुआ है। और प्राप्त सूचना के अनुसार सितंबर 12 तारीख तक, ठीक है, 12 सितंबर तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को आप बदले हुए प्रारूपों में देखेंगे, अर्थात सदस्यों की या तो नियुक्तियाँ होंगी या तो आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा, दो में से एक काम हो जाएगा। सभी 10 सदस्यों की नियुक्तियाँ होनी हैं और सारी चीज़ें वो डिक्लेयर होनी है, तो आप सभी लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों को करते रहिए। पदों की संख्या पर्याप्त बढ़ चुकी है, इस चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य किया करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं आपके टेट, सीटेट और सुपर टेट की। टेट, सीटेट, सुपर टेट के लिए विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं आप लोगों को अपडेट देता रहता हूँ कि जो प्रक्रियाएँ अपनाई जानी हैं वो BEd बनाम BTC केस के फाइनलाइजेशन के बाद ही अपनाई जानी है। कहते नहीं है कि शासन हो चाहे प्रशासन हो, ठीक है, वो काम अपने ही ढंग से करते हैं, अपने समय पे ही पूरा करते हैं, ठीक है। उसके लिए ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ जो है शासन की भी मंशा होती है कुछ उसमें, और शासन अपना नफा नुकसान तौल करके तब आगे बढ़ता है क्योंकि भाई राजनीतिज्ञ हैं, नेता हैं वो, है ना, तो उनको जो प्रॉफिट दिखेगा सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें वो करने के लिए तैयार होते हैं। हम आप सभी लोगों से पहले ही बता चुके हैं कि जब हम लोग बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री और बेसिक शिक्षा कैबिनेट मंत्री से मुलाकात किए थे तो उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि सुपर टेट की वैकेंसी आएगी नहीं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। और सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही ये केस फाइनल हमारा टेक ओवर होता है और जैसे ही कोई दिशा निर्देश हमें जारी होते हैं वैसे ही एक आज्ञा पत्र आएगा MHRD मिनिस्ट्री की तरफ से और आपके NCTE की तरफ से एक नया आदेश आएगा। चूँकि आप समझ सकते हैं कि जब NCTE ने BEd को, DLED को, BTC को नए टेट में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान कर दिया, CTET में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान कर दिया है, तो आप क्या समझ सकते हैं कि मतलब किस तरीके की का केस किधर जा रहा है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करिए क्योंकि आप कंपटीशनर हैं और कंपटीशनर का तात्पर्य यही होता है कि थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूँ, 24 तारीख को सुनवाई लगी थी लेकिन नहीं हो पाई
और आगे जो मतलब ये सितंबर में इसकी डेट लगाई गई है, और सितंबर में पूरा यकीन है कि मतलब 20 सितंबर के पहले पहले इसका मामला पूरी तरीके से रफू चक्कर हो जाएगा और दिशा निर्देश कुछ आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और जैसे ही आएंगे वैसे आपका विज्ञापन भी जारी होगा। कुछ चैनल वाले तो अगस्त में ही यूपी टेट का विज्ञापन जारी करा रहे थे, लेकिन अभी यूपी टेट का विज्ञापन नहीं आएगा। हाँ, इतना चीज़ ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो है मतलब यूपी टेट का विज्ञापन आप सभी लोगों को सितंबर माह में देखने के लिए मिलेगा, और उसके साथ ही जैसे ही यूपी टेट का विज्ञापन आएगा अक्टूबर तक इसकी आवेदन प्रक्रिया चलेगी, मतलब 15 अक्टूबर तक, और 30 अक्टूबर तक आवेदनों की स्क्रीनिंग, एडमिट कार्ड वगैरह का आवंटन, ये सारी चीज़ें चलेंगी। और नवंबर या दिसंबर, मतलब नवंबर नहीं दिसंबर माह में आप सभी लोगों को प्रथम सप्ताह में इसका पेपर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जैसे आपका पिछली बार हुआ था पेपर, सेम वही कंडीशन आपकी जो है मतलब इसमें भी होगी। थोड़ा सा लेट हुआ था, लेकिन जो है इस बार ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी, आप सभी लोग बेफिक्र रहिए। और अगर टेट सीटेट सुपर टेट में आप सभी लोगों को 138 प्लस क्वेश्चन करना है तो आपको सारथा गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से बेहतर मैटर कोई नहीं दे सकता। चुपचाप उस मैटर को लीजिए और आराम से पढ़ाई करिए। ठीक है, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप 130 प्लस क्वेश्चन करके आओगे, 138 प्लस, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे प्रतीक्षित मैटर एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए। तो कल संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय तक ये बातें पहुंची और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जैसे ही हमारी ये चार लाइनें डिक्लेयर होती हैं हम एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी करेंगे। और जब सचिव महोदय से मुलाकात हुई थी लोक सेवा आयोग के, तो उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी आरओ एआरओ और एलटी और जीएससी के अध्याचन को जो मतलब प्राप्त होने की बातें बताई थी कि हमारे पास टोटल अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं हमें, और धीरे धीरे जो प्रक्रिया थी वो आगे बढ़ चुकी है, और जो हमारी चीज़ें हैं पूरा विज्ञापन हमारा बन के तैयार है, बस शासन की मंजूरी की आवश्यकता है। शासन जैसे ही डिक्लेरेशन कला विषय को लेकर के देता है तो सारी चीज़ें जो है वो डिक्लेयर हो जाएंगी। विद्यार्थी इस बात को लेकर के परेशान है कि क्या इस बार जो है एलटी ग्रेड में या जीएससी प्रवक्ता में वो अप्लाई कर पाएंगे, चाहे वो प्रावधिक वाले हों, टेक्निकल फाइन वाले हों या बीएफए वाले हों। तो बिल्कुल इस बार अप्लाई कर पाएंगे। हम जो जानकारियाँ आप सभी लोगों को देते हैं वो जानकारियाँ यही होती हैं कि मतलब आप सभी लोगों की किसी भी प्रकार का उगाड़ पछाड़ ना होने पाए, ठीक है ना। इसलिए बार बार जो है प्रयास करते हैं, बार बार रोज़ आपको अपडेट देते हैं। ठीक है, रोज़ रोज़ हम जो है मतलब लोक सेवा आयोग, पीएनपी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, रोज़ रोज़ क्यों जाते हैं इन्हीं सारी चीज़ों के लिए, ताकि आप सभी लोगों के साथ कोई भी चीज़ें गलत ना होने पाए। ठीक है ना, रोज़ अधिकारियों से मिलना, रोज़ उनको ज्ञापन देना कि ताकि शासन के भी और अधिकारियों के भी संज्ञान में बातें बनी रहें, और जो चीज़ें विद्यार्थियों की आम समस्याएं बन चुकी हैं, जो विद्यार्थियों की उम्मीदें हैं वो पूरी हो सके। एलटी ग्रेड आपका 1 टीयर ही होगा, इसके लिए बेफिक्र रहिए। ठीक है, एलटी ग्रेड के लिए आप सभी लोग निश्चिंत हो जाइए। रही बात आपके जीएससी प्रवक्ता की, तो जीएससी प्रवक्ता के मेंस को ऑब्जेक्टिव कराने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है, और अध्यक्ष महोदय ने एक प्रपोजल भेजा है शासन को। अगर शासन इस पे मंजूरी दे देता है तो आगामी समय में आने वाली जीआईसी लेक्चरर आपको जो है ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा, उसका मेंस पेपर। ठीक है, तो आप सभी लोग बेफिक्र रहिए, जो कार्य हम करते हैं उन कार्यों का परिणाम आप सभी लोगों के सम्मुख आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आप सभी लोगों को मैं बता दूँ प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट जो यूपी ट्रिपल एससी आयोजित कराने चल रहा है सितंबर माह में, उसमें 43 लाख आवेदन आए हैं, मामूली आवेदन नहीं है। ठीक है ना, 43 लाख आवेदन आए हैं, और कम से कम 5-6 लाख विद्यार्थी तो फार्म ही नहीं भर पाए वेबसाइट स्लो चलने की वजह से। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, अगर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में और आगामी समय में आने वाली वीडियो वैकेंसी में आप सभी लोग सम्मिलित होना चाहते हैं, लेखपाल में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़ जाना है और इसके नोट्स आदि को प्राप्त कर लेना है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए, पेट के लिए। ठीक है, पेट का ज़्यादा कीमत नहीं रखा गया है, महज 900 रुपये रखे गए हैं। यूपी टेट का ज़्यादा कीमत नहीं रखा गया है, महज 1000 रुपीज़ रखे गए हैं। आप सभी लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। 85 क्वेश्चन तक की गारंटी हम लेते हैं, आप हमारे मैटर से उसको प्राप्त कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल को लेकर के। तो यूपी कांस्टेबल के विज्ञापन को जारी कराने हेतु कल पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में बातचीत हो रही थी, तो वहाँ से जो जानकारी हमें मिली है उस जानकारी के अनुसार फर्मों का चयन इसमें अपने लास्ट स्टेज में है,
और जैसे ही फर्मों का चयन कंप्लीट हो जाता है तत्काल आप सभी लोगों का यूपी कांस्टेबल का 26,162 पदों का विज्ञापन जारी हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ये विज्ञापन जारी होगा उसके दो चार दिन पहले या दो चार दिन बाद आपके यूपी एसआई का नया विज्ञापन 1,350 पदों पर वो जारी किया जाएगा, ठीक है। इस बार थोड़ा सा पद कम है लेकिन जो विद्यार्थी नौकरी पाना चाहेंगे वो विद्यार्थी नौकरी आराम से पा जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड के वेटिंग लिस्ट के लिए। तो वेटिंग लिस्ट के लिए आप सभी लोग परेशान ना होइए, अभी यही मामला चल रहा है और एलटी की ज्वाइनिंग का मामला चल रहा है, जीआईसी की ज्वाइनिंग का मामला चल रहा है, प्रक्रियाएं तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। प्रावधिक वाले भी अप्लाई करेंगे एलटी में और आपके बीएफए वाले भी करेंगे, टेक्निकल वाले भी करेंगे, फाइन वाले भी करेंगे। इनके लिए कंडीशनल चीज़ें होंगी, यदि इनका सिलेक्शन आदि होता है तो इन्हें 3 वर्ष के भीतर बीएड की डिग्री कंप्लीट करनी होगी, ये शर्त रहेगी, विज्ञापन में ही देख लीजिएगा, ठीक है। आप सभी लोग निश्चिंत होकर के बेफिक्र होकर के तैयारी करिए, हम जो जानकारियाँ देते हैं वो जानकारियाँ पूरी पुख्ता होती हैं, प्रमाणिक होती हैं, सत्य होती हैं, इस बात के लिए कि आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार की कभी कोई समस्या ना होने पाए इसका पूरा ध्यान हमारी तरफ से रखा जाता है। और यदि आप सभी लोग कोई चीज़ें हमें बताते हैं कि सर हमारी ये समस्या है ये चीज़ें हैं, तो हमारा प्रयत्न होता है कि आप सभी लोगों को जो है मतलब उन समस्याओं से निराकृत करा सके और आपके उज्जवल भविष्य में थोड़ा बहुत योगदान हम भी दे सकें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स आदि को बुक करने के लिए 97-41-13-85 पर आप संपर्क कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों को मैटर उपलब्ध कराया गया है वो विद्यार्थी थम्सअप के रूप में उन्होंने स्वीकार किया इसे, और हमारा जो मैटर है, हमारी जो प्रिंटिंग है वो लाजवाब है, बेस्ट है, कि आप उससे 100 कॉपी निकाल लीजिए, उसकी प्रिंटिंग जो है वो डाउन डोल नहीं होगी, ठीक है ना। प्रिंटिंग एकदम साफ़ रहती है और आप सभी लोगों को पढ़ने में बहुत आसानी होगी और रुचि पैदा होगी किसी भी सिलेबस को कवर करने में, ठीक है। और जो चीज़ें छांट करके जो चीज़ें टॉपिक बनाई जाती हैं उसमें टेक्स्ट बुक के एक नहीं 20-22 पुस्तकों का समायोजन किया जाता है ताकि आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या ना होने पाए और आप सभी लोग आसानी से अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकें और कंपटीशन को कंपटीशन बना सकें, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन का पढ़ाया हुआ 10 क्वेश्चन भी नहीं आता है। उसकी एकमात्र वजह यह होती है ऑनलाइन एक बिजनेस है, ठीक है। और जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसमें उनको पता है कि हमारे साथ 1,000 विद्यार्थी जुड़े हैं, सब पढ़ रहे हैं, तो अपना कोरम से कोटा पूरा करते हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जाओ अपना लेके पढ़ो चाहे मत पढ़ो, ठीक है। मैराथन क्लासेस शुरू कर देंगे, 5-5, 6-6 घंटे 8-8 घंटे की मैराथन क्लासेस, पक जाओगे आप, कितनी वीडियो देखोगे, आँख आपकी दर्द करने लगी, आप खुद ही एक दिन पढ़ोगे मैराथन क्लास, दूसरे दिन उब जाओगे। इससे बेहतर है हार्ड कॉपी में नोट्स ले लीजिए और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जाते रहेंगे वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों को समय समय पे आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ फॉर्मेट पर उपलब्ध कराए जाते रहेंगे। ये नोट्स जो आपको भेजा जा रहा है या हार्ड कॉपी में आपके एड्रेस पे सेंड किया जाएगा, तो देर किस बात की, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए और नोट्स आपको प्राप्त करने हैं तो 97-41-13-85 पर आप प्राप्त कर सकते हैं।